आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आएंगे, 6400 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। कार्यक्रम में 4 केंद्रीय मंत्री भी आज मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सीएम भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम पीडब्ल्यूडी मंत्री भी आज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पूर्व सीएम रमन सिंह, सुनील सोनी, रेणुका सिंह भी मौजूद रहेंगी। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण साव भी आज मंच साझा करेंगे। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मोदी के दौरे के पहले रायपुर में कल देर रात से ही झमाझम बारिश का दौर जारी है। लगातार रात से बारिश हो रही है, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। आपको बता दें, सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे। रायपुर से अंतागढ़ की ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, इसके साथ ही आम सभा को भी संबोधित करेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कल देर रात से ही रायपुर में झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सभा को संबोधित करेंगे, वहां पर अच्छा भव्य वाटरप्रूफ पंडाल बनाया हुआ है। रायपुर आएंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, करीब 10:30 बजे का कार्यक्रम है कि वो रायपुर पहुंच जाएंगे। उससे पहले पूरे रायपुर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जो सरकारी कार्यक्रम है उसमें सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे, डिप्टी सीएम पीडब्ल्यूडी मंत्री भी शामिल होंगे, राज्यपाल भी इसमें शिरकत करेंगे। 6000 करोड़ से ज्यादा की विकास कार्यों की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान, और इसके बाद वो रवाना होंगे उत्तर प्रदेश, गोरखपुर के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद बड़े दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, रायपुर पहुंच रहे हैं, आम सभा, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी नेताओं ने इसकी तगड़ी तैयारी कर रखी है।